सोनू, बाबू, रिया और डब्बू सबके लिए ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम बेहद कम खर्चे में बना सकते हैं। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। मजबूत कार्डबोर्ड ले, 11 इंच के सर्कल में 3 इंच के बॉर्डर वाला एक शेप काट ले, साथ में एक रेक्टेंगल भी काट ले और 2 स्क्वायर साइज काट ले। इन दोनों स्क्वायर साइज को हम फेविकोल से जोड़कर एक बना लेंगे, एक षटकोण आकार देंगे। आपने जितने भी सेट्स बनाए हैं कार्डबोर्ड के, सभी सेट्स को ब्राउन टेप से कवर करें। ब्राउन टेप अगर नहीं है तो वाइट टेप से भी कर सकते हैं। कार्डबोर्ड का जो शेप है वो ख़राब ना हो, इसलिए हमने इसे ब्राउन टेप से कवर किया। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी है, किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आसानी से बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। इसी के पाउडर से हमें एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए केवल पानी का इस्तेमाल करें। अंदाज से पाउडर लें और अंदाज से पानी लेकर दिखाए गए विजुअल की तरह थोड़ा थिक पेस्ट तैयार करें। सर्कल वाले शेप पर इस पेस्ट को अप्लाई करें और पहला लेयर करें, ना मोटा ना पतला, समान मात्रा में इसे फैला लें और इसे हम ड्राई होने देंगे। रेक्टेंगल वाले शेप पे कांटे की मदद से इस तरीके से आप टेक्सचर बना सकते हैं, मनपसंद टेक्सचर बना लें। साथ ही षटकोण वाले पे भी बिल्कुल प्लेन लेयर करें। इन सभी को अच्छे से ड्राई होने दें। दोस्तों, अंदाज से 3-4 चम्मच पाउडर लेकर केवल पानी की सहायता से डो बना लें। डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये डो 4 घंटे तक चलता है और इसे हम गीले कपड़े से लपेट कर रखते हैं। हम ज़रूरत के हिसाब से इसे बनाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से तुरंत यूज़ कर लेते हैं। डो की सहायता से छोटे छोटे गोलाकार शीट बना लें। मेरे से तो गोल नहीं बना, आपसे बन सकता है। इस गोलाकार शीट को किसी प्लेटफॉर्म पे रखें या किसी बोर्ड पे अलग से रखें और 2.5 इंच के करीब एक लीफ यानी पत्ती के आकार का स्टेंसिल काट लें। इसे आप शीट पे रखें और पुराना चाकू, पुराना नेल कटर या फिर सेफ्टी पिन या फिर आल पिन, इसकी सहायता से इसके आउटर एरिया को काट लें। बिल्कुल मक्खन की तरह कट जाएगा और आपके पास एक लीफ की आकृति यानी शेप आ जाएगी। इस शेप को आप अलग से इसके जो नर्व्स हैं वो नेल कटर से या स्कल्पचर्स के टूल हैं या फिर आलपिन से इसके नर्व्स का डिटेलिंग करें। इस लीफ को आप एक ऐसे प्लेट में रखें जिसके जो किनारे हैं वो थोड़े से उठे हुए हो, क्योंकि जैसे ही ये पत्ती ड्राई होगी आपको लीफ का अगला पोर्शन हल्का सा उठा हुआ मिल जाएगा। ढेर सारे बनाकर अच्छी तरह सुखा लें। 1/2 इंच की कुछ पत्तियां बना लें, इसकी भी डिटेलिंग करें और इसे भी सुखा लें, ढेर सारे बना लें। वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट बनाएं केवल पानी मिलाकर और इन पत्तियों को गोलाकार शेप पे दोनों किनारे पे ओवरलैप करते हुए इसी गाढ़े पेस्ट की सहायता से अच्छी तरह चिपका लें और इन्हें हम अच्छी तरीके से फिर से ड्राई होने देंगे। वॉल पुट्टी की डो की सहायता से छोटे छोटे फ्लावर के पेटल्स बनाएं, हल्की सी डिटेलिंग करें और जो आपने रेक्टेंगल फ्रेम बनाया है उसके किनारे पे एक कंपोजिशन बनाएं और उसी के हिसाब से इन पेटल्स को वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से चिपकाते चले जाएं। बॉर्डर के अंदर जो भी डिज़ाइन बनाना है पहले से डिसाइड कर लें और उसी के हिसाब से एक बढ़िया सा कंपोजिशन बनाकर चिपकाते चले जाएं। मैंने देखा था ये वाला डिज़ाइन किसी ने शिल्पकार के लिए से बनाया है, पर वो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। वॉल पुट्टी से इसलिए बनाया ताकि आपको काफ़ी सस्ते में बन जाए। इसे हम अच्छे तरीके से ड्राई होने देंगे। जैसे ये सूखता है किसी सॉफ्ट टॉवल के ऊपर हम इसे पलट कर रखेंगे और एक पतला तार लेंगे, इसे मोड़कर हम एक हुक की तरह बना लेंगे और ये एमसील है, ये 10 रुपये का आसानी से किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाता है। इसमें से 2 क्ले निकलते हैं, दोनों को मिलाकर एक ब्लैक कलर का क्ले बनता है। इसी की सहायता से इस तार को हम चिपका लेंगे। सावधानी से दोनों तरफ इसे चिपका लें और 3-4 घंटे तक इसे छोड़ दें, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। अब आप तीसरे नंबर पर आ जाएं, जो षटकोण वाला डिज़ाइन है उस पर भी मनपसंद पैटर्न बनाएं। पैटर्न पहले से सोच कर रखें,
या तो कॉइल बनाएं या तो कोई पैटर्न बनाएं और वॉल पुट्टी के घोल की सहायता से इन्हें भी चिपका लें। इन सबको हम ड्राई होने देंगे। तो ये ड्राई हो गए हैं। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो 320 नंबर के रेगमाल यानी सैंड पेपर से फिनिश कर सकते हैं। मैंने पत्तियों को रख कर देख लिया है, कंपोजिशन अच्छा बना है। तो अब कलर की शुरुआत करते हैं। वॉल पुट्टी क्राफ्ट में हमेशा एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करें। दो या तीन कोट करें, एक कोट को सूखने दें फिर दूसरा कोट करें। गोल वाला शेप और छोटी पत्तियों को ऑरेंज कलर से करें और जो बड़ी वाली पत्तियां हैं उन्हें हम गोल्डन येलो और ऑरेंज से शेडिंग करेंगे, बीच में मिक्स करेंगे। सभी पत्तियों को ठीक इसी तरीके से रंगें और ड्राई कर लें, सुखा लें अच्छे तरीके से। वॉल पुट्टी के पाउडर में केवल पानी मिलाकर इस तरीके का गाढ़ा बिल्कुल थिक पेस्ट बनाएं और एक एक करके सभी पत्तियों के नीचे इस पेस्ट को लगाकर चिपकाते चले जाएं। पत्तियां ओवरलैप होंगी, साथ ही चिपकाते समय यह भी ध्यान रखें कि पत्तियां रिदम में चिपके, यानी एक गोलाकार शेप आ जाए। अब आप षटकोण वाले पे भी कलर स्टार्ट कर दें और मनपसंद कलर करें। मैं वॉल पुट्टी से काम क्यों करता हूँ? क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है, बिल्कुल महंगा नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। केवल पानी मिलाकर हम डो बना सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए दिखाए गए ब्रांड का ही इस्तेमाल करें। ये कट मिरर और स्टोन्स आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्रेलिक ब्लैक से रेक्टेंगल वाले फ्रेम को करें और जैसे ही ये ड्राई होता है स्पंज पे सिल्वर कलर लें और इसकी सहायता से उठे हुए डिज़ाइंस को निकालें। ज़रूरी हो तो स्टोन्स को फेविकोल की सहायता से चिपका लें। अब आप फ्रेम को फोटोग्राफ के ऊपर रखें, पेंसिल से मार्क करें और कैंची से थोड़ा सा फालतू काट लें। फ्रेम को टॉवल पे पलट लें और डबल साइड टेप की सहायता से, नहीं है तो सिंगल टेप की सहायता से चिपका लें। सभी फ्रेम पे आप इसी तरह सावधानी से फोटोग्राफ्स को चिपका लें। तो दोस्तों, बेकार कार्डबोर्ड और थोड़ी सी वॉल पुट्टी से बना ये फोटो फ्रेम्स तैयार है, बस आपकी तैयारी बाकी है। जैसे ही आपको टाइम मिले ये फ्रेम्स बना डालें और अपने घर के सदस्यों के खूबसूरत पल को, उनकी मुस्कान को इन फ्रेम्स के अंदर कैद करें। हर कोई इस फ्रेम में कैद होना चाहेगा। डिज़ाइन और शेप अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा बनाना है तो MDF बोर्ड का इस्तेमाल करें। आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि है पर आपने कभी वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ये 3 क्राफ्ट क्लासेस FB ग्रुप में अवेलेबल है। ये पेड क्लास है। क्लास के अंदर लाइव रिकॉर्डेड वीडियो में आप डो बनाने से लेकर फिनिशिंग तक सीख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपके बजट में बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली क्राफ्ट देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें, जहां आपको आपके पसंद के ढेरों क्राफ्ट मिलेंगे। ये क्राफ्ट वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।